के पंख को ऑन करना चाहते हो, मैंने तीन सर ने तीन स्लॉट बनाए हैं, तीन स्लॉट में से तीनों एक्टिव हैं, आप कोई सा स्लॉट यूज में कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे एक स्लॉट से काम करके मैं आपको बता दूंगा, बाकी दो स्लॉट आप चेंज करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप टाइम सेट करोगे उसी टाइम पे ये पंप ऑन होगा ऑटोमेटिकली, जो है यहाँ से ये पंप ऑन रहेगा, जब तक ऑन रहेगा जब तक ये फुल लेवल नहीं आ जाए। अच्छा, जैसे ही फुल लेवल आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये अपन ने सेंसर लगा रखा है, ये सिग्नल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो कंट्रोलर जो है रिले को ऑफ कर देगा, रिले को जैसे ऑफ करेगा तो मोटर भी आपका ऑफ हो जाएगा, समझ लो। तो इस तरह से ओवरऑल अपना वर्किंग करेगा। अब मैं आपको देखो बताता हूँ कैसे किस तरह से सेट करना है इसको, मैं इस तरह से मूव कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है डीपीडीटी स्विच ऑन करना है। जैसे आप डीपीडीटी स्विच ऑन करोगे तो देखो आरटीसी बेस्ड पंप विद डिफरेंट टाइम स्लॉट, ठीक है। अब ये डॉलर का सिग्नल आ गया, उसके बाद में 10 सेकंड तक रहेगा, 10 सेकंड के अंदर आपको दबाना है, ठीक है, बटन दबाना, ठीक है। अभी मैंने दो बार दबा दिया इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है। मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ऑन किया, ये सेट वाला फर्स्ट वाला बटन है, ठीक है, अभी आएगा। खड़े हो सकते हो, खड़े हो सकते हो, ठीक है, आ गया। मैंने प्रेस किया, प्रेस नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड, ये नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, नेक्स्ट बटन दबाया। अब आवर एंटर करना है, बोलते जाओ अपने मोबाइल में कितना टाइम हुआ आपका, अभी के लिए आप लगा दो 19, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का है, तो मैं इंक्रीमेंट करूंगा 19, है ना, ठीक है। मैं बटन प्रेस करके रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है 16, 17, 18, 19, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है, देखते जाओ यहाँ पे शो कर रहा था, मिनट मिनट नाइन कर दो ना, एट कर रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, नाइन कर देता हूँ, है ना, एट और ये नाइन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना, सेकंड जीरो कर दूँ, ठीक है, 01 हो गया, ठीक है। उसके बाद में डे कौन सा है, डे ये करेगा फ्राइडे ना, 8 हो गया, फ्राइडे 6 हो गया, है ना, 6, 6, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्राइडे 6 हो जाएगा, सैटरडे 7 होगा, संडे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, मंडे से ये 1 लेता है, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये 6 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। मुझे तो ऑल डे के लिए चाहिए ना यहाँ पे, हाँ तो ऑल डे कर, ऑल डे के लिए अगर आपको चाहिए, मतलब मैं समझा नहीं, ऑल डे मतलब पूरे वीक के लिए चाहिए ना, पर डे के लिए तो नहीं, इसमें खुद से सेट करना है, नहीं तो एक बार सेट तो करना पड़ेगा आपको, स्लॉट आप बाद में सेट कर देना, पहले इसको तो टाइम सेट करो आप, ठीक है, इसका टाइम तो सेट करो, ठीक है। 6 कर दिया आपने फ्राइडे, एक बार बता दो ऑटोमेटिकली फ्री है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, पावर भी चला जाएगा तो ऑन रहेगा, फिर आपको स्लॉट बताना है, ये ऑटोमेटिकली सेव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट किया, ठीक है, डेट कौन सी आज, 6 है ना, ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ इसमें 5, 6 हो गया। नेक्स्ट किया, ठीक है, मंथ कौन सा है, 4 है, ठीक है, हो चुका 4। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ईयर कौन सा है आपका, 18 चल रहा है, 2018, ठीक है, 18 हो चुका है। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये जो है ऑटोमेटिकली टाइम अपडेटेड कर देगा, अभी देखना, ठीक है, देखो 19906, अब ऑटोमेटिकली सेकंड बढ़ता जा रहा है, फ्राइडे बता दिया, ठीक है, 6 तारीख, 4th महीना 2018, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ भी कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ से पावर लेके ये जो है, ठीक है, बट उसको 9 को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 10 हो चुका है, अभी 11 कर देंगे, अभी कर देंगे अपन, पहले एक बार वर्किंग देख लेते हैं, तो दोबारा आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो चुका है। अब अपन को क्या काम करना है, यहाँ पे से सेट वाला बटन अगर जैसे ही अपन दबाएंगे तो ये स्लॉट पूछ लेगा ऑटोमेटिकली। अब आपको जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे पूरे वीकेंड के लिए चाहिए, तो आप स्लॉट डाल दो उसमें, आपको 7वें दिन चाहिए, 8वें दिन चाहिए, कितने बजे चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पे सेट वाला बटन दबाऊंगा, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, डिस्प्लेइंग टाइमिंग वेट, ठीक है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और पर डे का स्लॉट, ठीक है, पर डे का स्लॉट है, तो मैं यहाँ से जो है सेट करूंगा इसको, प्रेस नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड, ठीक है। अब टाइम डाल दो आप स्लॉट 1 का, ठीक है, तो अपन क्या काम करते हैं, आवर, ठीक है, अभी 19 है, 19 ही डाल देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बटन यूज में करूंगा मैं, ठीक है, उसमें 7 हो रहे थे ना, 99 हो रहे थे, या अभी अब 11 चल रहा है, तो 13 कर दो, हाँ 13 या 14 कर देते हैं, ठीक है, 14 कर देते हैं, ठीक है, 19 कर दिया, फिर नेक्स्ट किया, ठीक है, मिनट कितना होगा अपना, 14 कर देते हैं, ओके, डिक्रीमेंट वाला बटन है, ठीक है, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है, अब स्लॉट 1 मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है, एंटर, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो चुकी है। ठीक है, अभी ये 10 हुआ है, अपन ने 14 कर दिया, मतलब 4 मिनट बाद में ये ऑन होगा। ठीक है ना, अभी देखते जाओ। ठीक है, तब तो मैं पूरा वो ऑपरेट देख लेता हूं। हां देख लो, देखो आराम आराम से, कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी कंपोनेंट में तो एक बार जब ये चलेगी 14 पे, ये पूरा फिल कर देगी इसको। हाँ, ये इसमें कोडिंग इस तरह से किया हुआ है, जब तक माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल नहीं मिलेगा यहाँ से, जब तक ये यहाँ पे दोनों जैसे वायर टच होगा तो शॉर्ट होगा, तब तक ये हो नहीं रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अपन जब नल यूज करते हैं पानी की, वहां से ट्रांसफर होता है टंकी में, टंकी की भी कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करेगी, फुल करेगी सेंसर के हिसाब से, वो देख लेगी टंकी भरने वाली है। इसमें इसमें दो ऑप्शन है, देखो इसमें दो ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि जब तक सेंसर चाहिए। ठीक है, आप अगर बोलते तो हम क्या है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज में करके नाप ले लेते इसका 1 लीटर या 2 लीटर डेमो के लिए, और उसको मार्क करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर में सेट कर देते। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट था सर जब तक सेंसर सेंस नहीं करे तब तक वो, ये क्या कॉमन यूज अभी जनरल में चलता है, टैंकी फुल कर लो, फिर जब तक बंद हो रही है बंद कर दो, फिर अगले दिन टाइम स्लॉट बंद है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो वैसा हमने इसमें वो भी हो सकता था। ठीक ठीक ठीक, हाँ सर ने बोला था। ठीक है, तो ये फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, अपना जैसे ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे पानी इस पर टच करेगा शॉर्ट होगा, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा। अपना माइक्रो कंट्रोलर अपन ने यूज में किया हुआ है 8 मेगा 8 मेगा 8। ठीक है, 20 माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है ना, तो इसका एडवांटेज मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि आपने 8 मेगा 80 क्यों यूज नहीं किया, 16 क्यों यूज नहीं किया, तो आपकी जो पिन रिक्वायरमेंट थी वो पिन रिक्वायरमेंट आपकी 20 थी, और इसमें 28 पिन्स हैं। ठीक है, 28 होते हैं पावर इंक्लूडिंग पावर पिन। अच्छा, ठीक है, VCC ग्राउंड वगैरह मिला के, ठीक है 28 पिन होते हैं। आपका 20 पिन का रिक्वायरमेंट है, मार्केट में अवेलेबल है 28 के बाद में सीधा जो है 32। ठीक है, तो आप 32 पे क्यों जाओगे जब 28 का अवेलेबल है, तो इसलिए 8 मेगा 8 यूज किया, 8 मेगा 16 32 पे काम करता है, 8 मेगा 8 मेगा 16 जो होता है 32 पिन। मतलब हम लोग बेसिकली 28 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। हां रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स ओनली। इसमें क्या 8 मेगा 16 जो है सेम उसका मेमोरी साइज होता है, सेम उसका फंक्शन होता है, 8 मेगा 8 का सेम होता है, आर्डिनो का सेम होता है, सभी माइक्रो कंट्रोलर सभी 8 बिट है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है सभी, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिन जो है ज्यादा है, किसी में कम है, बस ये इसमें कितने इनपुट आउटपुट की जरूरत है हमें 24। हाँ, इसके अंदर 20 थे टोटल, 20 थे और हमें 28 से काम चल रहा है। 28 इसके पास है, लेकिन अपन ने 20 अपन को रिक्वायरमेंट थे 28 से, ये 29 ज्यादा होता था, हां तो फिर अपन 8 मेगा 16 पे करना, नो डाउट। तब अपन को ये आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं, फिर कि आउटपुट इतना है इसका, आप इसे बोले तो 20 आउटपुट है, नहीं तो ये अपने कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, जैसे मुझे एलईडी को ऑन करना है, एलईडी को ऑन करना है तो मुझे एक पिन यूज में करना पड़ेगा। आपका आरटीसी 8 पिन का है, 8 पिन मुझे माइक्रो कंट्रोलर रिले के लिए मुझे दो कनेक्शन चाहिए, ये सब काउंट करके, हां ये सब काउंट करके अपन जो है टोटल नंबर ऑफ पिन रीसेट बटन है उसके लिए दो कनेक्शन चाहिए, है ना। देखो ये ऑन 1914 पे ये ऑन होना चाहिए, हो गया हो तो गया, अब ये चलता रहेगा, दिखा भी दिया डिस्प्ले टाइम फॉर स्लोट पर। पानी खत्म होने वाला है, इसमें हो गए। ठीक है, जैसे फुल हुआ तो ये ओपन हो, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है पानी को बस एंड में यूँ कर लेना, अभी भी है उसमें, वैसे हमने जो है इसको बड़ा यूज में किया है, इसमें छोटा है। ठीक ठीक, ये सही है, ठीक है, फिर अपना फिर यूज हो रहा है, बर्थडे के हिसाब से कम हो रहा है, फिर वो नल चलेगी, फिर वो बढ़ करेगी जो जनरल अभी यूज करेगी, जैसे ये सेंसर सेंस करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टैंक फुल पंप आउट, ठीक है, मैसेज दे देगा इस तरह से। हमें इसको जो है दोबारा से इसमें